मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे पिछले दो वीडियो में जैसे ये आपको ये पूरे वीडियो एक साथ ही मिलने वाले हैं, तो जो इसके पहले के प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की सेकेंड स्टेज है, इसका हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो उस सेकेंड स्टेज में भी हमने उसको फिर से यहाँ पे डिवाइड किया था फोर अलग अलग स्टेजेस में, तो उसमें से दो स्टेजेस हमने पहले ही यहाँ पे स्टडी कर ली है। अब यहाँ पे हम थर्ड और फोर्थ स्टेज, जो सेकेंड मेन स्टेज के अंतर्गत जो सब स्टेजेस है उसमें से थर्ड और फोर्थ स्टेज आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, और उसके बाद भी और जो लास्ट स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम थर्ड स्टेज की ओर अगर बढ़ते हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेज हमें दी है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की, वो थर्ड स्टेज है स्क्रूटिनी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मीन्स अब जैसे हमने सेकेंड स्टेज में अप्लीकेशन के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी प्रोवाइड की थी रजिस्ट्रार ऑफिस को, तो जो अप्लीकेशन और जो अदर मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपने किया है या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, उसके आधार पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस है या जो रजिस्ट्रार है वो उन पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करता है कि क्या वो जो प्रिस्क्राइब मैनर है, जो निर्धारित क्रम है, उस क्रम में वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं या नहीं, उन डॉक्यूमेंट्स की जो मटेरियलिटी है वो आपने एकदम मतलब वहाँ पे ट्रूनेस के साथ प्रोवाइड की है या नहीं, इन सभी बातों को वहाँ पे स्क्रूटिनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, या जिसको हम बोलेंगे कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस का मेन होता है जिसको हम रजिस्ट्रार कहते हैं, वो सब ये प्रक्रिया से जाता है, गुजरता है, और फिर जब वो स्क्रूटिनाइज करता है हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए डॉक्यूमेंट्स, और वो अगर वेल मैनर में है, जो एक्चुअल ऑर्डर होनी चाहिए थी डॉक्यूमेंटेशन की उन्हीं ऑर्डर में है, मतलब कहीं भी आप लीगल ग्राउंड पे फेल्योर नहीं हो रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो रजिस्ट्रार है वो इस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी में मेंशन करता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मतलब सही से स्क्रूटिनाइज करने के बाद अगर सभी चीज़ें सही मिलती है तो रजिस्टर ऑफ कंपनी में कंपनी का नाम मेंशन किया जाता है। और अगर इसकी दूसरी बाजू भी है कि अगर स्क्रूटिनाइजेशन में अगर कहीं फ्रॉडुलेंट एक्शन आ जाए, या हम इसको फ्रॉडुलेंट एक्शन नहीं बोलेंगे, वहाँ पर कोई डिफेक्ट आ जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, तो अगर माइनर डिफेक्ट है, माइनर मिस्टेक है, तो रजिस्ट्रार प्रमोटर को वो डिफेक्ट जो है वो सही करने के लिए, या जिसको हम करेक्ट करने के लिए कहते हैं, वो करेक्ट करने के लिए कहता है, और अगर छोटी माइनर लेवल का डिफेक्ट है तो वो वहीं पे करेक्ट करके प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन अगर मटेरियल डिफेक्ट है, बड़े पैमाने की डिफेक्ट है, तो ऐसे कंडीशन में रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो आपका जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो ये प्रोसेस कर रहे हो या इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस आप कर रहे हो, तो स्क्रूटिनाइजेशन की जो स्टेज है इस स्टेज में आपका जो मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए किया गया जो आपका यहाँ पे एक अपील है वो वहाँ रिफ्यूज की जा सकती है, रिजेक्ट की जा सकती है, क्योंकि जो लीगल ग्राउंड है वहाँ पे आप कोई ऐसी जो शर्त है, टर्म है, जो पूरी करने में आप असमर्थ रहे हो, इनकैपेबल रहे हो, इसीलिए आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये जो रिजेक्ट करने की प्रक्रिया है ये रजिस्ट्रार केवल और केवल लीगल ग्राउंड पे ही कर सकता है, मतलब अगर आप कोई मतलब जहां हम जिसको बोलेंगे कि यहाँ पे केवल ऐसी बात होनी चाहिए जो आप लीगल इसमें कायदे के अंतर्गत ही आप कहीं कम ज़्यादा रह गए हो, उसी कारण से ये बात की जानी चाहिए, वहां पे कोई ऐसी मतलब दूसरी कोई बात या जैसे जिसमें हम बोल सकते हैं कि कोई एक पर्सनल इशू के कारण वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होते, केवल और केवल लीगल ग्राउंड पे ही रजिस्ट्रार आपकी अपील रिजेक्ट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। और अगर आपने सभी एकदम बिल्कुल सही मैनर में, बिल्कुल सटीक इसमें अगर डॉक्यूमेंटेशन किया है, एप्लीकेशन की है, एप्लीकेशन के साथ जो यहाँ पे अटैच करने वाले डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन है वो अगर आपने सही से किए हैं, तो इस परिस्थिति में यहाँ पर आपको तुरंत ही
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। मतलब रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्टर ऑफ कंपनी में आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, और उसके बाद की फिर स्टेप यहाँ फोर्थ स्टेप है इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड CIN। CIN स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरा डॉक्यूमेंटेशन सही किया गया है, वहाँ पे मोहर लग चुकी है कि आपके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो सभी सही है, उसके बाद फॉर्म नंबर INC 11 के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड किया जाता है। और इसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ आपको CIN नंबर भी दिया जाता है, जो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा ही अलॉट किया जाता है, प्रदान किया जाता है। और ये जो CIN नंबर होता है या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, इसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इंक्लूड होता है। तो अब यहाँ पे इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने देखा, CIN नंबर हमने देखा, तो CIN नंबर से नंबर के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है पर्टिकुलर कंपनी के लिए, या उस कंपनी की जो यहाँ, मतलब जैसे हमने DIN देखा था, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देखा था, तो वो डायरेक्टर्स को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता था, वैसे ही यहाँ पे कंपनी को जो लीगल एंटिटी बोल के एक यहाँ पे स्वरूप मिला है, प्रारूप मिला है, तो उस लीगल एंटिटी के लिए यहाँ पर उसका आइडेंटिफिकेशन शो करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ CIN की यहाँ प्रावधान या जिसको हम बोलते हैं कि प्रोविजन है, जिसमें कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, जो नंबर कंपनी की पूरी जानकारी वहां पे विशद करता है। अब इसके बाद हम यहाँ चर्चा करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगी, जिस लिंक को आप अगर आप ओपन करेंगे तो वहां पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का एक प्रोफॉर्मा आपको मिलेगा। मतलब आपको आइडिया आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम अब थोड़ा सा मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, या जिसके बारे में हम बोलते हैं कि जिस दिन हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, उसी दिन से हमारी जो मतलब कंपनी है वो एक लीगल एंटिटी के रूप में यहाँ पे, मतलब जो विश्व है, कंपनी जगत है, जो कंपनी वर्ल्ड है, उसमें एक उसका नाम बन जाता है, एक स्पेशल जो एंटिटी बोल के या लीगल एंटिटी बोल के, आर्टिफिशियल पर्सन बोल के जो हम एक पहचान कंपनी को मिलती है, तो वो मिलती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद। और ये फाइनल कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि अब कंपनी प्रपोज्ड कंपनी ना रहते हुए एक एक्चुअल एग्जिस्टेंस में जो कंपनी है उसमें आ चुकी है। और कंपनी की जो लाइफ होती है, वो कंपनी की लाइफ जिस डेट पे आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है, उसी डेट से कंपनी की लाइफ शुरू होती है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। कंपनी मतलब अब जिसको हम बोलेंगे कि जो एक प्रपोज्ड कंपनी थी वो कंपनी में फॉर्म हो गई, उसका जो रिजर्व्ड नेम है उस नाम से अब वो काम करने के लिए तैयार है। तो ये सब प्रोसीजर जब कंक्लूसिव प्रूफ जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो जब मिल जाता है, तो एक प्रपोज्ड कंपनी एक कंपनी में तब्दील हो जाती है और वो काम करने के लिए तैयार होती है। उसके बाद अब जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी देखी, या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला था प्रमोशन स्टेज, सेकेंड रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी स्टेज, एंड लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। तो अब इस स्टेज में हम देखेंगे कि व्यवसाय प्रारंभन, जिसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को हिंदी या मराठी में बोलेंगे व्यवसाय प्रारंभन, तो व्यवसाय प्रारंभन जो अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ हम यहाँ बोलेंगे कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है, इसके लिए आप कोई ऐसी प्रोसेस या कोई ऐसा बंधन नहीं डाला गया है, इसके बाद यहाँ तक का जितनी प्रोसेस करनी थी वो सभी कर ली। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप तुरंत कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर सकते हो, और इसमें भी एक
शर्त है कि जैसे ही आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है उसके एक साल के भीतर आपको अपना जो कंपनी का क्रियाकलाप है, जो अफेयर्स ऑफ कंपनी है, जो वर्क ऑफ कंपनी है, वो चालू करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हो एक साल के भीतर तो वो फिर वहाँ पे मतलब दूसरे इश्यूज लागू हो जाते हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस को या रजिस्ट्रार आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, आपकी जो इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस है, उसको यहाँ रिजेक्ट कर सकता है या आपको मतलब जो आपकी प्रोसेस हो के जो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है उसको भी यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है और आपको फिर से ये प्रोसेस डबल करना पड़ सकती है। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में बस इतना बोला जा सकता है कि मतलब नए लॉ के हिसाब से जितना जल्दी हो सके आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के स्टेजेस थे जिसको हम पिछले करीबन 4 से 6 या मुझे लगता है 6 से 7 वीडियोस में जिसे अलग अलग डिवाइड करके हमने यहाँ पे स्टडी किया है, तो आज केवल एक पॉइंट हमारा मतलब फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो आपको करीबन 10 से 12 पॉइंट्स दिए उसमें से एक पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यहाँ पे एंड हुआ है। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लेके मतलब प्रोसीजर तो यही हमने की है जो मतलब वहाँ पे हम बोलेंगे कि कंपनी को एक जो अपना काम शुरू करना होता है उसके लिए एक अल्टरनेटिव भी बताया गया है, वो भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगी, उसकी जानकारी आपसे साझा करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।